চায়নার পরে ইন্ডিয়ায় নাকি সবচেয়ে বেশি মেট্রো রেল বানাচ্ছে। কলকাতা প্রথম মেট্রো 2014 তে মুম্বাইতে প্রথম মেট্রো সেদিন আগে শেষই হচ্ছে না। এগুলো তো প্রপোজাল সব, আর অনেক অনেক প্রজেক্ট তো মেট্রো আছে, ড্রাইভারলেস মেট্রো না, এটা আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে তা স্বাগতম সবাইকে। চলো আজকে আমরা মেট্রো রেল নিয়ে গবেষণা করি। আমাদের দেশে মেট্রো রেলের কাজ চলমান, আমরা দেখে আসি আমাদের পাশের দেশে মেট্রো রেল কবে শুরু হয়েছিল এবং কতগুলো মেট্রো রেল চলছে, এইসব বিষয় নিয়ে একটা ভিডিও আছে, চলুন আমরা সেই ভিডিওটি দেখে আসি। তো চলুন সবাই মিলে অল ইন্ডিয়ার মেট্রো 2020 ভিডিওটি দেখে আসি। दोस्तों इस वीडियो में आपको इंडिया की सारी प्रेजेंट अंडर कंस्ट्रक्शन अप्रूव्ड प्रपोज्ड और कैंसल मेट्रो रेल के बारे में बताऊंगा। ये लिस्ट काफ़ी लंबी हो सकती है क्योंकि आज दुनिया में चाइना के बाद इंडिया ही ऐसी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा मेट्रो रेल बना रही है। तो इंडिया ही नहीं है सबसे तेज मेट्रो रेल वाला। हम जाए ना इतने हम आके गौश में उठा हुए। दोस्तों हमारी पहली मेट्रो है कोलकाता मेट्रो। बांग्ला कोलकाता में देश की पहली मेट्रो लाइन बनी थी जो 24 अक्टूबर 1984 में प्रथम में। ये लाइन टोटल 33 किलोमीटर लंबी है और 107 किलोमीटर की लेंथ कोलकाता में अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। दूसरी है दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो 24 दिसंबर 2002 को खुली थी और ये इंडिया की सबसे बड़ी मेट्रो सिस्टम है। इस सिस्टम में टोटल 348 किलोमीटर की लाइन का ऑपरेशनल है और अभी फिलहाल इसमें 103 किलोमीटर का और कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अगली लाइन है नम्मा मेट्रो जो बेंगलुरु में बनी है। दोस्तों ये मेट्रो लाइन 2011 में खुली थी और ये इंडिया की सदर्न स्टेट्स में पहली मेट्रो लाइन थी। ये टोटल 42 किलोमीटर लंबी है और इस प्रोजेक्ट में टोटल 57 किलोमीटर का काम अभी जारी है। अगली है रैपिड मेट्रो गुरुग्राम। दोस्तों गुरुग्राम 14 नवंबर 2013 को खुली थी और ये देश की पहली टोटली प्राइवेटली ओन्ड मेट्रो थी। ये टोटल 11 किलोमीटर लंबी है और फिलहाल इसके आगे कोई प्लान नहीं किया गया है। अगली मेट्रो लाइन है मुंबई से। दोस्तों मुंबई में 8 जून 2014 को पहली मेट्रो खुली थी और 11.4 किलोमीटर की लाइन अभी मुंबई में। इसके साथ साथ 312 किलोमीटर की मेट्रो लाइन अभी मुंबई में अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये देश की पहली मेट्रो लाइन थी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में बनाई गई थी। दोस्तों इसके आगे है जयपुर मेट्रो। जयपुर में 3 जून 2015 को पहली मेट्रो लाइन शुरू हुई। ये टोटल 9.6 किलोमीटर लंबी थी और इसमें 2.4 किलोमीटर का काम अभी जारी है जबकि 23 किलोमीटर प्रपोज्ड है। ये देश की पहली मेट्रो लाइन थी जो डबल स्टोरी एलिवेटेड रोड पर बनाई गई थी। अगली है फिर से साउथ इंडिया से जो है चेन्नई मेट्रो। चेन्नई मेट्रो 2015 में खुली थी, इसकी टोटल लेंथ 45 किलोमीटर थी और ये देश की पहली मेट्रो थी जिसमें डायरेक्टली लूप सर्विसेज चलते थे। अगली है कोची मेट्रो। कोची मेट्रो 2017 में खुली थी और इसकी टोटल लेंथ 23.8 किलोमीटर है। इसमें 3.7 किलोमीटर का अभी और काम जारी है और ये देश की पहली मेट्रो है जिसमें लाइव CBTC सिग्नलिंग का इस्तेमाल किया गया था। अगली है लखनऊ मेट्रो। दोस्तों लखनऊ मेट्रो 2017 को शुरू हुई और इसमें 23 किलोमीटर की लाइन अभी ऑपरेशनल है। ये दुनिया की सबसे तेज बनने वाली मेट्रो सिस्टम है। अगली है हैदराबाद मेट्रो। दोस्तों हैदराबाद मेट्रो 29 नवंबर 2017 को खुली थी जो टोटल 69 किलोमीटर लंबी है और इस मेट्रो लाइन में टोटल 4.7 किलोमीटर का काम अभी जारी है। दोस्तों ये इंडिया की पहली मेट्रो लाइन थी जिसमें CBTC सिस्टम के साथ साथ एक इंटीग्रेटेड टेलीकम्युनिकेशन एंड सुपरविजन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था जिसके कारण ड्राइवरलेस मेट्रो भी इसमें चलाई जा सकती है। नोएडा मेट्रो। नोएडा मेट्रो 25 जनवरी 2019 को शुरू हुई जो टोटल 29.7 किलोमीटर लंबी थी। अगली है अहमदाबाद मेट्रो। अहमदाबाद मेट्रो मार्च 2019 को खुली थी जो टोटल 6.5 किलोमीटर लंबी है और इस लाइन में 40.03 किलोमीटर का स्ट्रेच अंडर कंस्ट्रक्शन है। नागपुर। अगली है नवी मुंबई मेट्रो। दोस्तों नवी मुंबई मेट्रो टोटल 22 किलोमीटर लंबी है और ये मुंबई के सैटेलाइट टाउन में बनाया जा रही है। ये मेट्रो अगले साल तक खुलने की आशंका है और इस मेट्रो लाइन के लिए पहली ही रेक्स जो है वो पहुंच चुकी है। अगली है पुणे मेट्रो। पुणे मेट्रो टोटल 31.5 किलोमीटर लंबी अभी बनाई जा रही है और 54 किलोमीटर प्रपोज्ड है। इसका काम 2017 में शुरू हुआ और आने वाले समय में जल्दी ये मेट्रो पूरी हो जाएगी। अगली है कानपुर मेट्रो। दोस्तों कानपुर मेट्रो का कंप्लीशन डेट 2021 का बताया गया है दिसंबर में और ये टोटल मेट्रो 24 किलोमीटर लंबी होगी। अगली है भोज मेट्रो जो भोपाल में बन रही है। इस मेट्रो लाइन का कंप्लीशन डेट 2023 का बताया गया है और 27 किलोमीटर लंबी ये मेट्रो है।
इस मेट्रो का काम 2018 में शुरू हुआ ना, एगलो मने वाट चलते जो टोटल 31 किलोमीटर लंबी है, ये सितंबर 2019 को अपना कंस्ट्रक्शन शुरू कर चुकी है और आने वाले समय में ये मेट्रो कंप्लीट हो जाएगी। अगली है आगरा मेट्रो। दोस्तों आगरा मेट्रो 2024 को कंप्लीट होने की डेट बताई जा रही है और ये टोटल मेट्रो 27 किलोमीटर लंबी है। अगली है पटना मेट्रो। दोस्तों ये लाइन भी 2024 तक खुल जाएगी ऐसा बताया गया है और ये लाइन 31 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों हमारे प्रपोज मेट्रो में सबसे पहली है देहरादून मेट्रो जो उत्तराखंड में बनी हुई पहली मेट्रो लाइन होगी। इसके बाद है सूरत मेट्रो। इसके बाद में है सूरत मेट्रो जो गवर्नमेंट ने 2019 में पास कर दिया है और इसका कंस्ट्रक्शन जल्दी शुरू हो जाएगा। अगली है श्रीनगर मेट्रो जो टोटल 25 किलोमीटर की लेंथ रखेगी और इसका काम जो है 2020 के अंत तक शुरू हो जाएगा ऐसी डेट बताई गई है। अगली है जम्मू मेट्रो। दोस्तों 43.5 किलोमीटर लंबी है मेट्रो का प्रपोजल लास्ट ईयर पास हो चुका था। इसका कंप्लीशन डेट 2024 है और इसका काम भी श्रीनगर मेट्रो की तरह इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगा। अगली है मेरठ मेट्रो। दोस्तों मेरठ मेट्रो उत्तर प्रदेश में बनने वाली एक और मेट्रो लाइन है जो टोटल 30 किलोमीटर लंबी होगी। 2024 तक इसका काम पूरा हो जाने की आशंका है और इसका फाउंडेशन स्टोन मार्च 2019 में रख दिया गया था। जल्दी इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। अगली है गुवाहाटी मेट्रो। गुवाहाटी मेट्रो आसाम में बनने वाली 61.4 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन है जिसका DPR और कैबिनेट के थ्रू अप्रूवल आ चुका है। अगली है गोरखपुर मेट्रो। दोस्तों उत्तर प्रदेश में बनी हुई और एक मेट्रो लाइन है जिसका टोटल प्रपोजल लेंथ 27.14 किलोमीटर का है और ये मेट्रो लाइन अभी प्रपोज स्टेज में है। अगली है विशाखापट्टनम मेट्रो। दोस्तों आंध्र प्रदेश की ये मेट्रो लाइन टोटल 80 किलोमीटर लंबी होगी और इस प्रोजेक्ट का काम शुरू होने के ऊपर कोई फाइनल डेट नहीं आई है। अगली है विजयवाड़ा मेट्रो जो आंध्र प्रदेश में बनेगी। 62 किलोमीटर का ये प्रपोजल है और ये अभी भी अप्रूव नहीं हुई है। अगली है कोयम्बतूर मेट्रो। दोस्तों तमिलनाडु में बनने वाली ये मेट्रो लाइन का अभी तो कोई ड्राफ्ट नहीं आया है, इसकी फिजिबिलिटी स्टडी अभी जारी है। इसके बाद में ग्रेटर ग्वालियर मेट्रो। दोस्तों इस मेट्रो लाइन की फिजिबिलिटी स्टडी जारी है, अगर फिजिबिलिटी स्टडी पॉजिटिव निकलती है तो यहाँ पर भी मेट्रो लाइन का प्रपोजल पेश किया जाएगा। अगली जबलपुर में टेस्ट का काम जारी है। इसके आगे और तीन शहर है जो है बरेली मेट्रो, प्रयागराज मेट्रो, रांची मेट्रो। ये तीनों लाइन्स अभी प्रपोज स्टेज में है और गवर्नमेंट इसकी जाँच कर रही है कि मेट्रो लाइन की जरूरत है या नहीं। और इसके बाद में है कुछ ऑनरेबल मेंशंस जो लाइन प्रपोज किए गए थे लेकिन कैंसिल हो गए। दोस्तों चंडीगढ़ मेट्रो, वाराणसी मेट्रो, वेस्टर्न रेलवे एलिवेटेड कॉरिडोर मुंबई और लुधियाना मेट्रो, ये चार शहर ऐसे हैं जो अलग अलग कारणों के कारण कैंसिल कर दिए गए, जिसमें ज़्यादातर फिजिबिलिटी का इशू था और कुछ प्रपोजल्स में फंडिंग की इशू थी। तो दोस्तों ये रहे हमारे देश में बन रहे अलग अलग अंडर कंस्ट्रक्शन, प्रपोज्ड, अप्रूव्ड और कैंसिल्ड मेट्रो लाइंस। इन लाइंस के कंप्लीट होते ही इंडिया में पूरी दुनिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट सबवे नेटवर्क होगा, या आप कह सकते हो इंडिया में जैसे हम कहते हैं मेट्रो नेटवर्क होगा, और टोटल देश में 2300 किलोमीटर का मेट्रो का जाल बिछ जाएगा। दोस्तों ये रही आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना और मिलेंगे अगली वीडियो में। আচ্ছা ফাইনালি যেটা হলো যে বুঝতে পারলাম 2300 কিলোমিটার মোটামুটি এখন পর্যন্ত যা ওয়ার্ক চলতেছে এবং যেগুলো চলছে এই সব কিছু মিলে 2300 কিলোমিটার লাইন হবে আর কি মেট্রো রেলের। আর অনেক অনেক প্রজেক্ট তো মেট্রো রেলের, আমাদের তো একটাই প্রজেক্ট, আমাদের প্রজেক্ট অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। আর ইন্ডিয়াতে প্রথম যে মেট্রো রেল শুরু হয় সেটা হচ্ছে 1984 সালে কলকাতায়, অনেক আগে। হ্যাঁ, এটা আমিও আসলে জানতাম না যে আমরা কলকাতায় যে মেট্রো রেলে চড়েছি সেটা হচ্ছে 84 সালে শুরু হওয়া, আর এটাই ফার্স্ট মেট্রো রেল ইন্ডিয়ার। আর এর পরবর্তীতে যে মেট্রো রেলগুলো চালু হয়েছে এগুলো আসলে বেশি দিন হয়নি, বেশি দিন হয়নি। হ্যাঁ, সেই হিসাবে কিন্তু আমরা খুব বেশি পিছিয়ে নেই। 2002 সালে মনে হয় যে মুম্বাইয়ের যেটা দিল্লি অথবা মুম্বাই আমার মনে হয় দুইজার কোথাও শুরু হয়েছিল সেটা 2000 সালে। হ্যাঁ সেটা, হ্যাঁ সেটা হচ্ছে দিল্লিতে সেকেন্ড যে মেট্রো রেলটা চালু হয় সেটা দিল্লিতে ছিল। থার্ড মেট্রোটা চালু হয়েছিল নামা মেট্রো, হ্যাঁ সেটা সম্ভবত মুম্বাইতে। ফোর্থ মেট্রোটা চালু হয়েছিল গুরগ্রামে, এবং গুরগ্রামের যে মেট্রোটা ছিল সেটা হচ্ছে প্রাইভেট মেট্রো ছিল। হ্যাঁ, আমাদের দেশে তো এখনো কোনো প্রাইভেট মেট্রো, আমাদের তো মেট্রো এখনো গভর্নমেন্ট মেট্রো চালু হচ্ছে, সরকারি প্রাইভেট মেট্রোটা চালু হচ্ছে। তবে আমরা খুব মানে আশায় বসে আছি কবে শুরু হবে মেট্রো যাতায়াত, মেট্রো যাতায়াত শুরু হবে। হ্যাঁ, যাতায়াতটা খুব ইজি হয়ে আসবে। আর তারপর হচ্ছে হায়দ্রাবাদের মেট্রোটা কিন্তু ভালো, কারণ হচ্ছে এটা হচ্ছে ড্রাইভারলেস মেট্রো। না, এটা আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে তারা বলতে চাচ্ছে যে এই মেট্রো দিয়ে তারা ড্রাইভারলেসও মেট্রো চালু করতে পারবে।
তো এরকম আরো অনেক মেট্রো রেলের কাজ ইন্ডিয়ায় চলছে, আর এরকম অনেকগুলো মেট্রো রেলের অলরেডি প্রপোজাল দিয়েছিল যেগুলো ক্যান্সেল হয়ে গিয়েছে, আবার কিছু মেট্রো রেলের ফিজিবিলিটি চেক করা হচ্ছে, মানে কোথায় কোথায় হতে পারবে কোথায় কোথায় হতে পারবে না। যেমন আমাদেরও কিন্তু একটা ফিজিবিলিটি অলরেডি কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে, যেটা হচ্ছে এয়ারপোর্ট থেকে কমলাপুর, যেটা হচ্ছে আন্ডারগ্রাউন্ড দিয়ে যাবে। তো এই ভিডিও অনুযায়ী আমরা যেটা জানতে পারলাম সেটা হচ্ছে তিনটা মেট্রো রেল ক্যান্সেল হয়েছে, যেগুলো সব কিছু ফিজিবিলিটি স্টাডি কমপ্লিট হয়ে গিয়েছিলো, প্রিপারেশন সব কিছু কমপ্লিট হয়ে গেছিলো, তারপরে ক্যান্সেল হয়েছে। চণ্ডীগড় মেট্রো ছিল, একটা মুম্বাইয়ের মেট্রো ছিল, একটা বানারসা ছিল, আর একটা লুধিয়ানা মেট্রো ছিল। তো ভিডিওটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে অনেক অনেক লম্বা, আর এত এত মেট্রো রেলের কথা বলেছে যে আমাদের মাথার উপর দিয়ে অনেকগুলো চলে গেছে, কারণ সব জায়গার নাম আমরা হয়তো ভালোভাবে জানি না। আর মেট্রো রেলগুলো হলে আসলে যাতায়াত খুবই মানে সহজ হবে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে। আর ইন্ডিয়া যেহেতু অনেক বড় একটা রাষ্ট্র, তাদের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য এটা হয়তো অনেক অনেক উপকারী হবে সবার জন্য। তো আশা করি আমাদের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে, আর যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাদেরকে লাইক দিবেন, কমেন্টস করে জানাবেন আপনারা আর কী ধরনের ভিডিও আমাদের সঙ্গে দেখতে চান। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি।